हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज हम डिस्कस करेंगे डाया ऑफ स्टील, यानी जो हमारे स्टील की हमारी सरिया की जो मोटाई होती है, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे सूत और एमएम में। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है, अक्सर जब हम साइट पर होते हैं तो जो हमारा मिस्त्री या ठेकेदार होता है वो हमसे सवाल करता है कि 3 सूत का या 4 सूत का इसका जो सरिया है वो कहाँ लगेगा, किधर लगाऊं। तो ऐसा होता है कि हमको पता होता है एमएम में, हमको कॉलेज में भी एमएम में ही पढ़ाया जाता है, तो हमको सूत में कन्वर्ट करना उतना अच्छे से नहीं आता है। तो क्या करेंगे, हम सूत और एमएम को डिटेल में समझेंगे कि 1 सूत में कितना एमएम होता है, 2 सूत में 2.5, 3, 4 से लेकर 8 तक, यानी इतने जो सूत होते हैं उसको हम एमएम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और उसके बारे में समझेंगे एकदम फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखा है, जैसे यहाँ पर सूत वैल्यू इन एमएम लिखा है और इन राउंड फिगर लिखा है। तो एक सूत जो होता है, 1 सूत में हमारा 3.17 एमएम होता है। जब हम स्केल में देखेंगे तो जब नापेंगे तो हमारे स्केल के टॉप में दिया रहता है, जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं, टॉप में दिया रहता है हमारा सूत और नीचे दिया रहता है क्या, एमएम में दिया रहता है, इंच में दिया रहता है। तो हमारा 1 सूत बराबर 3.17 एमएम होता है, जिसको हम राउंड अप करके 3 एमएम लेते हैं, जो कि हमारे सरिया की मोटाई होती है। और अगर वैसे ही हम बात करें तो 2 सूत यानी 2 सूत इज इक्वल टू 6.34 एमएम, यानी 3.17 को जब हम डबल करेंगे, जैसे एक सूत बराबर 3.17 एमएम होता है, तो जब 2 सूत का निकालेंगे तो इंटू 2 करेंगे तो हमारा आएगा 6.34, जिसको हम राउंड अप करके क्या कहते हैं, इसको हम 6 एमएम की बार है, इसको ऐसा हम बोलते हैं। वैसे ही 2.5 सूत में होता है 7.925 एमएम, तो इसको हम राउंड अप करके 8 एमएम ले लेते हैं, इसको हम 8 एमएम की बार कहते हैं। तो वैसे ही 3 सूत में हमारा होता है 9.525, तो इसको हम राउंड अप करके क्या करते हैं, 10 एमएम कर देते हैं। वैसे आगे बात करें तो हमारा 4 सूत में होता है 12.7 एमएम, तो इसको हम राउंड फिगर में इसको लिखते हैं 12 एमएम। और 5 सूत की बात करें तो 5 सूत में हमारा एग्जैक्ट जो होता है 5.875 एमएम होता है, इसको राउंड फिगर करके हम इसको क्या लिखते हैं, 16 एमएम। ऐसे 6 सूत की बात करें तो 6 सूत में हमारा 19.05 एमएम होता है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, यानी जब हम एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट 19.05 एमएम आएगा, तो इसको हम राउंड फिगर में 20 एमएम कहते हैं। तो वैसे ही आगे बात करें तो 7 सूत में 22.225 एमएम होता है एग्जैक्टली, बट जब इसको हम राउंड फिगर करके लिखेंगे 22 एमएम। 8 सूत में 24, तो 7 सूत में हमारा वैल्यू 22.225 एमएम एग्जैक्टली होता है, और राउंड फिगर करके इसको हम 22 एमएम ले लेते हैं। और 8 सूत में अगर हम बात करें तो 24.4 एमएम एग्जैक्टली इसका वैल्यू होता है एमएम में, उसको हम राउंड फिगर करके 25 एमएम कंसीडर करते हैं। तो होप यू आपको पसंद आया होगा मैंने जो बताने की कोशिश करी है। अगर आपको थोड़ी भी इससे फ़ायदा मिला या ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो वीडियो लाइक करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच पाए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि और आप और किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो उसको हम
रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।